धान्यं धनं पदं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। जी हां, जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। देखिए, दो खबरें हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है, एक है हरिद्वार की, उत्तराखंड की, और दूसरी तस्वीर भी वहीं की है। एक तरफ जहां पर जो कांवड़ यात्री है, कांवड़िए है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं मुसलमान, वहीं दूसरी तरफ इन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। एक तरफ कांवड़ियों के ऊपर फूल से पुष्प वर्षा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान खुले में या सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर केस दर्ज कर उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लखनऊ के लुलु मॉल में जिस तरीके से नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई, पूरे देश में एक चर्चा होने लगी कि मुसलमान जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है, दकियानूसी है वो, और कितना कट्टर है। अपने धर्म के लिए वो कहीं भी मुसल्ला बिछा देता है। और देखिए, ये मामला यही नहीं रुका। शम्स तबरेज ने ट्वीट किया है, गोदी मीडिया और शिद्दत पसंदों को अब मुसलमानों का नमाज पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। धर्म पर अमल करने की बुनियादी आज़ादी का सवाल उठाया जा रहा है, आखिर क्यों। देखिए, लुलू मॉल के बाद एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने की भी वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी हिरासत में ले लिया है। तो इस तरीके के हालात, एक तरफ कांवड़ यात्रा के लिए सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती है, पूरे इंतजाम करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमान कोई खुले में नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं। ये देखिए, ये दोनों तस्वीर हरिद्वार की है, एक तस्वीर उन लोगों की है जिनको पुलिस ने बाजार में नमाज पढ़ने की वजह से किसी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया, दूसरी तस्वीर हरिद्वार के उन मुसलमानों की है जो शिव भक्तों को फूल पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो चुका है और उसको जिस मर्जी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, उसको डंडे के जोर पर हाका जा रहा है। चाहे वो कैसा भी काम करे, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आप उसमें दोषी हो या ना हो। और ये देखिए एक खबर जो यूपी के कासगंज से बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिम बिजनेसमैन को फेक लव जिहाद में फंसाने के लिए एक महिला को हायर करते हैं दिल्ली से, ये भी खबर है। और ये देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका शुद्धिकरण हो रहा है, अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहां तक जायज है, या इस तरीके से हमारा इतिहास रहा है, क्या कभी हमने प्रेसिडेंट के साथ इस तरीके से शुद्धिकरण होते हुए देखा है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, खुद अपने जो आदिवासी है उनका अपना अलग कल्चर है, उसके बावजूद भी इनका शुद्धिकरण हो रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिए, सत्यवीर सिसोदिया ने लिखा है, ये कैसा शुद्धिकरण है, क्या भारत की नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू नहीं है या फिर भारत की नागरिक नहीं है, ये भारत के संविधान का अपमान और राष्ट्रपति पद का अपमान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति को भी शुद्ध किया जा रहा है, उनका भी शुद्धिकरण किया जा रहा है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की पेट कहां तक है, वो देश के प्रथम राष्ट्रपति को भी किस तरीके से शुद्धिकरण कर रहे हैं। और ये वीडियो देखिए, देखा आपने, हाल ही में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अलविदा समारोह था, उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जो है फेस, उनका जो ध्यान है वो सिर्फ कैमरे की तरफ है।
आप समझिए कि किस तरीके से ये देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं और कितना ये सम्मान करते हैं, इस वीडियो से आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, एक तरफ उनको शुद्धिकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो दलित राष्ट्रपति थे, जिसको जो बीजेपी क्रेडिट लेती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी अलविदा समारोह में किस तरीके से प्रधानमंत्री कैमरे की तरफ देखकर राष्ट्रपति को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी वायरल है और इस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उनका फेम, उनका प्रचार प्रसार, उनका पीआर जरूरी है, उनकी पब्लिसिटी जरूरी है, उनके लिए कैमरा सब कुछ है, ना कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ऐसे हालात हैं, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, अशोक सुवेन ने लिखा, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इग्नोर कंट्रीज दलित प्रेसिडेंट एंड प्रायोरिटीज द कैमरा। तो इनकी प्राथमिकता जो है वो कैमरा है, चाहे सामने राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, ये जब अपनी माता से मिलने जाते हैं तब भी कैमरे साथ लेकर जाते हैं। और अब ये वीडियो सुनिए, ये है खालिद सैफी की पत्नी, वो किस तरीके से बिलबिला रही हैं, चिल्ला रही हैं, और उनका दर्द महसूस कीजिए कि आखिर एक मुस्लिम नौजवान को झूठे केसों में जेलों में बंद कर रखा है और वो शुगर के मरीज हैं और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट तक नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर खालिद सैफी की पत्नी ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी थाने में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रही है और डॉक्टर फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसको एक बार सुन लीजिए, आपका कलेजा फट जाएगा। बार बार फीवर की दवाई देके बोल दिया जाता है कि ये खा लो ये खा लो, कोई दवाई नहीं है, कोई तबीयत उनकी उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, कोई कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जो भी उन लोगों ने जेल के अंदर बना रखे है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इंसान इतनी तकलीफ में है कि अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग उनके लिए। मेरे हाथ जोड़ कर जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को इलाज मुहैया करवा दीजिए प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, मेरे लिए मेरे शौहर के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग भी जीते जी मर जाएंगे, ये बहुत तबीयत खराब है। तो सुना आपने, इस महिला का दर्द महसूस कीजिए कि किस तरीके से, सोचिए अगर इनकी जगह आप होते तो आप क्या करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिविलेज समाज है, जिसके पास ताकत है बोलने की, जिसकी बोली में इतना दम है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी या उनके कहने पर सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, वो लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तमाम मुस्लिम नौजवान CNRC के जो है आंदोलन में उठाए गए, दिल्ली दंगे में झूठे केसों में उठाए गए, वो आज तक जेल में हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला है। वहीं उमर खालिद जो दिल्ली में संविधान के तहत आंदोलन करने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो ये खालिद सैफी की पत्नी है, किस तरीके से बिलक रही है, किस तरीके से रो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और शायद ही आप इनका दर्द महसूस कर सकें। तो ये बड़ी खबरें थी, किस तरीके से मुसलमानों को आज द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, उनके साथ द्वयम दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको बेल तक नहीं मिल रही। खालिद सैफी जो CA आंदोलन के प्रोटेस्ट में आगे आगे थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मास्टरमाइंड बताकर, कॉन्स्पिरेटर बताकर जेल में डाल रखा है और उनकी बेल तक नहीं हो रही है, और उनके दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी खबर थी सिलसिलेवार का, एक तरफ हरिद्वार में मुस्लिम नौजवानों को बाजार में नमाज पढ़ने पर डिटेन कर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ UP के कासगंज में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को झूठे लव जिहाद में फंसाने के लिए दिल्ली से एक महिला को हायर किया जाता है, और तीसरी ये वीडियो कि खालिद सैफी की पत्नी किस तरीके से लोगों से अपील कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को भी अपमानित करने से नहीं चूके हैं।
इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।